सुहागपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरी अड़चन में इलाज के दौरान 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र फोन किया और अस्पताल प्रबंधन को मौत का जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के बाद मृतक के परिजन ने सेमरी चौकी में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही करने का आवेदन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर में लगा, सर में लगाया इसी घूम में। क्या बीमारी क्या थी बच्चे? कुछ नहीं, यही चोट लगी थी। बच्चे को कोई बीमारी नहीं, ना दुख था, ना तकलीफ, कुछ नहीं। इसी का इलाज करा रहा था, मलम पट्टी और 8 रोज से आ रहा था, पट्टी कर बदलवाने। तो नॉर्मल प्लान से वॉक करती है और पट्टी करेगा, तो वॉक कर रहा था और तुरंत तो हॉक की तरह मस्ती डेथ हो गई। तो मैंने ऐसा ऐसा प्रयास किया कि मर्ग कायम करके और तकनीम कर इलाज के दौरान उसको जो भी इलाज दिया गया था उसी दौरान उसको तब कहना है कि इंजेक्शन लगाया था, उसके तत्काल बाद उनकी हालत खराब होने लगी और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उस संबंध में उसने शिकायत की तो उस पर मत कायम कर लिया है और अगले दिन जाँच आ रही है। सुनने के लखनऊ